हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे असोकारिष्ट सिरप के बारे में। असोकारिष्ट महिलाओं के लिए बनाए गए यूटेराइन टॉनिक है, जो कि एक आयुर्वेदिक दवा है। जानेंगे इसमें कौन कौन से कंपोजिशन मिलाए गए हैं, इस सिरप का यूज महिलाओं के लिए कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इस सिरप का क्या डोज रहता है, इस सिरप को लेने से कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इस सिरप को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, और साथ ही जानेंगे इस सिरप को कौन कौन सी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। असोकारिष्ट सिरप की बात करते हैं तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी तथा एंटी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है। असोकारिष्ट सिरप के कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से असोका, सोट, दारू हरिद्रा, हरिताकी, मुस्ता, धताकी, आमला, वसा, आमला की, ये कुछ मुख्य औषधि इसमें मिलाई जाती है। इसके अलावा भी इसमें कई अन्य प्रकार की औषधि मिलाई जाती है, जो कि महिलाओं से जुड़ी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अब बात कर लेते हैं असोकारिष्ट सिरप को कौन कौन से कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इस सिरप को मुख्य रूप से डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, सांडू, यह कुछ पॉपुलर कंपनियां हैं जो इस सिरप को बनाती है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और कंपनी की दवा मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस सिरप का यूज महिलाओं की कौन कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि किसी महिला को डायस्मेनोरिया नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में महिला के पीरियड्स के दौरान पेट दर्द होना, कमर दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको ठीक करने के लिए इस असोकारिष्ट सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी इस असोकारिष्ट सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला के पीरियड्स इनरेगुलर रहते हैं, यानी कि समय पर नहीं आते हैं, तो उनको रेगुलर करने के लिए भी सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को हार्मोनल इंबैलेंस की समस्या रहती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को पीसीओडी नाम की बीमारी हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। और ये जो समस्या है, ज्यादातर यंग लेडीज में देखी जाती है, और इसी कारण से महिलाओं में इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन की समस्या रहती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी महिला को पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में महिला के पीरियड्स आने के पहले पेड़ों में दर्द होना, कमर दर्द होना, चिड़चिड़ापन रहना, कमजोरी महसूस करना, थकान महसूस करना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है, तो इसको भी ठीक करने के लिए इस असोकारिष्ट सिरप का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का यूज महिलाओं के जननांगों को हेल्थी बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार महिलाओं से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप का क्या डोज रहता है और इसे कितने दिन तक दिया जाता है। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को महिला की बीमारी के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट महिला को 15 ml से लगाकर 30 ml तक आधे गिलास पानी में मिक्स कर सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस सिरप को 20 दिन से लगाकर 1 महीना, या किसी महिला को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसे 3 महीने या उससे ज्यादा लंबे समय तक भी दी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं इस सिरप से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो इस सिरप से किसी भी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक आयुर्वेदिक दवा है, लेकिन फिर भी यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से साइड इफेक्ट होते हैं, तो उसको कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, लूज मोशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं सिरप को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी महिला को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस सिरप का दोबारा यूज न करें। इस सिरप को लेते समय आप स्पाइसी फूड तथा खट्टी चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें।
यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे यह सिरप नहीं दी जाती है। यदि किसी महिला को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है तो उसे यह सिरप नहीं दी जाती है। यदि किसी महिला को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो उस समय आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही सिरप का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको असोकरिष्ट सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।